बच्चों आज की वीडियो में हम कक्षा छठी विषय विज्ञान पार्ट 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है शरीर में गति। तो शरीर में गति किस प्रकार होती है, जैसे मानव शरीर, जीव जंतुओं के शरीर और पशु पक्षियों के शरीर, ये सब गति कैसे करते हैं इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे पहले अपन किसी कीट पतंगे का ले लेते हैं, जैसे कि तिल चट्टे का शरीर, तिल चट्टे मतलब कॉकरोच, उसका शरीर क्या है, पैर कठोर आवरण से ढके हुए रहते हैं। आपने देखा होगा कि कॉकरोच का शरीर जो है ऊपर से कठोर रहता है, एकदम कड़क, तो उसका आवरण से वो ढका हुआ रहता है, उससे सुरक्षित रहता है, जो कि बाह्य कंकाल बनाता है। और वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी हुई रहती है। तो उसके पैर जो है किससे जुड़े हुए रहते हैं, पंखों से जुड़े हुए रहते हैं, और वो उसी से जो है उड़ना और चलना, अपना अपनी गति उसी से करता है, जो कि तिल चट्टा जो है अब चलने और उड़ने के लिए उसको सहायता प्रदान करते हैं उसके पंख और उसके पैर। केचुए की गति देख लीजिए कि शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से जो होती है। केचुए की गति कैसे होती है, उसकी पेशियों से बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से केचुआ अपनी शरीर की गति करता है। शरीर की अध सतह पर पूरा शुष्क केचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता मिलती है। और घोंगा पेशी या पांच की सहायता से चलता है। अस्थि एवं उपस्थि मानव कंकाल बनाते हैं। मानव कंकाल, आपका प्रश्न आ जाएगा कि मानव कंकाल किससे बनता है, तो आपको उत्तर लिखना है कि अस्थि एवं उपस्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है, इसको पिंजर भी बोलते हैं, और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। और मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी मेखला तथा हाथ एवं पैर की अस्थियों से बनता है। तो आपका जो है प्रश्न बन जाएगा कि मानव कंकाल किन किन से मिलकर बना है, तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी मेखला तथा हाथ एवं पैर की अस्थियों से मिलकर जो है मानव कंकाल बनता है, और इसको पिंजर भी कहते हैं, अस्थि पिंजर भी कहते हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करते हैं, और पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करती है। जैसे पक्षियों को, आपका प्रश्न आ जाएगा कि पक्षियों को उड़ने में कौन सहायता प्रदान करती है, तो पक्षियों को जो है दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करती है। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। पहले उड़ने से पहले आपने देखा होगा पक्षी अपने पंखों को क्या करते हैं, फड़फड़ाते हैं, और उसके बाद उड़ने की क्रिया करते हैं। मछली के शरीर और एकांतर क्रम में जो वलय बनकर जल में तैरती है, और जो है मछलियां जो है अपने, उनके भी पंख रहते होंगे, आपने देखा होगा मछलियों को तैरते तैरते वो भी अपने पर से जो है गति करती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयकार गति में गति करता हुआ चलता है और फिसलता है। सांप को भी आपने चलते हुए देखा होगा बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत सारी अस्थियां एवं उसमें जुड़ी हुई पेशियां शरीर की ओर आगे की ओर अपने को शरीर को धक्का देती है। तो आपको मैंने पशु पक्षी, पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में और मानव के बारे में जानकारी दी है अभी इस पाठ में। आप भी इस पाठ को और अच्छे से पढ़ना कि मछली, तिलचट्टा, पक्षी, सांप, मानव, ये सब जो है केचुआ सब कैसे गति करते हैं, इनके शरीर की जो बाहरी बनावट है वो कौन से सुरक्षा वाले, कौन से जो इनके आवरण बने हुए हैं। मानव शरीर का मैंने आपको बता ही दिया है कि कंकाल जो है इसके मानव शरीर की जो है सुरक्षा करता है, चलने में गति करने में सहायता देता है। और शरीर की गति का एक चार्ट मैं आपको भेजूंगी, वो आप कॉपी में बना लीजिएगा,
और इसको फेयर कॉपी में बना के चेक करवा लीजिएगा। इस चार्ट को आप पूरी तरह से ध्यान से इसको समझ लेना कि कौन किस कौन जो है किस तरह से गति करता है। इसके प्रश्न उत्तर आपको मैं भेज दूंगी आठ पार्ट के। अगली वीडियो में मिलेंगे बच्चों, अगली वीडियो में अपन नौ पार्ट पढ़ेंगे। घर पर रहिए बच्चों, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।